झारखंड में किसानों और छात्रों की भलाई के लिए एक्शन में दिखे चंपई सोरेन। बोले, आने वाले 4 माह महत्वपूर्ण है, कोई बहाना नहीं, परिणाम चाहिए। किसानों के लिए 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफी के साथ लिए कई अहम फैसले। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को केसीसी से आच्छादित करें, समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को ब्याज मुक्त लोन मिले। नमस्कार जोहार, मैं हूं उपासना और आप देख रहे हैं आईना प्लस। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कामकाज को गति देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण विभागों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान विभिन्न विभागों की तरफ से संचालित फ्लैगशिप योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों को उच्च स्तरीय समीक्षा की गई। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी लेने के साथ ही अधिकारियों को कई निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं में गति लाएं ताकि लोगों को इसका पूरा लाभ मिल सके। साथ ही इस बात का विशेष ख्याल रखें कि योजनाएं तय समय सीमा में पूरी हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में वर्तमान में किसानों का 50,000 रुपए का ऋण माफ किया जा रहा है। ऐसे में इसके लिए नीतिगत प्रक्रिया को जल्द पूरा करें, ज्यादा से ज्यादा किसानों को केसीसी से आच्छादित करें, समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। जून महीने के अंतिम अथवा जुलाई माह के पहले सप्ताह तक बीज का वितरण हर हाल में कर दिया जाएगा। जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में शीघ्र ही आरंभ करें। स्थानीय जनजातीय भाषाओं को प्राथमिकता देते हुए स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को जनजातीय भाषा संथाली, हो, खुड़ग, खड़िया, मुंडारी सहित सभी जनजातीय भाषाओं के विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति शीघ्र करें। साथ ही यह कहा कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का पोर्टल 20 जून से एक्टिव हो जाएगा। इस योजना के तहत विद्यार्थियों को 15 लाख रुपए तक का शिक्षा लोन दिया जाएगा। ऐसे में इस योजना का ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी लाभ ले सके, इसके लिए इसका प्रचार प्रसार सुनिश्चित करें। इसके साथ 9,000 से ज्यादा विद्यार्थी शिक्षा लोन के लिए आवेदन कर चुके हैं, उन्हें शिक्षा लोन देने की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरी करें। नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। ऐसे में जेपीएससी और जेएसएससी में विभिन्न पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें। जाति प्रमाण पत्र जारी करने में जो भी विसंगति है उसे दूर कर इसे सरल बनाएं। विभागों की योजनाओं की गति में तेजी लाएं तथा इसकी अद्यतन रिपोर्ट नियमित रूप से दें। इसके अलावा छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ इन वर्गों को दिया जाए। सरना, मसना, हरगड़ी, स्थल और कब्रिस्तान की घेराबंदी की जाए। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत पौधा लगाने के साथ उसके रखरखाव एवं संरक्षण की पूरी व्यवस्था हो। बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के तहत वर्ष नवंबर के पहले तक 1 लाख कूपों का निर्माण पूर्ण करें। JSLPS से जुड़ी सखी मंडलों और उससे संबंधित महिलाओं को प्रेरित कर विभिन्न योजनाओं में सहभागिता सुनिश्चित करें। सीएम चंपई सोरेन ने 15वें वित्त आयोग से मिली राशि का इस्तेमाल सही तरीके से हो, इसको लेकर भी कई निर्देश दिए हैं। सभी उपायुक्त, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, LRDC और आंचल अधिकारी नियमित कोर्ट करें ताकि जमीन से जुड़े मामले का निष्पादन CNT और SPT एक्ट के तहत किए गए मुकदमों का निपटारा प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित हो। ST कोर्ट द्वारा ST जमीन से संबंधित मामलों में जो डिक्री हुई है उसकी सूची पब्लिक डोमेन में प्रकाशित करें। स्थानीय युवाओं को विभिन्न निजी उद्योगों तथा कंपनियों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने जो कानून बनाए हैं उसका हर हाल में पालन सुनिश्चित करें। अभियान चलाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा स्थानीय और मूलवासी को अपने ही प्रदेश में रोजगार मिल सके। बिरसा योजना के तहत प्रखंड स्तर पर कौशल केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया पूरी करें। साथ ही बेवजह 90 दिन से ज्यादा म्यूटेशन लटकाने वाले CEO के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, DC कार्रवाई का प्रस्ताव भेजें। अंत में बता दूं कि हाल ही में लोकसभा का चुनाव का परिणाम आया है और झारखंड में विधानसभा का चुनाव नजदीक है। इसको देखते हुए झारखंड में कार्यों को लेकर सरगर्मी तेज हुई है। समय 4 महीने ही बचा है, ऐसे में आचार संहिता लागू कर दिया जाएगा, तो इस बीच क्या कुछ होता है देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इतना ही। वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। उपासना को दीजिए इजाजत। जोहार।